गांडी प्रखंड क्षेत्र के कुबड़ीटाड़ गांव में करीब 8 करोड़ 22 लाख की लागत से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत बनी जलापूर्ति टंकी से करीब 1.5 सालों से पानी की सप्लाई बंद पड़े रहने के कारण स्थानीय ग्रामीणों द्वारा संबंधित स्थल से भव्य विरोध प्रदर्शन सह पानी टंकी के पास धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मामले को लेकर मौके पर पंचायत के वर्तमान मुखिया यशोदा देवी समेत कुंडलवादा पूर्व मुखिया प्रतिनिधि विनोद राम, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सुधांशु राम, सोहन पंडित, जागेश्वर पंडित, यमुना मंडल, सुरेंद्र यादव, अजय पंडित, उत्तम पंडित, मुकेश कुमार पंडित, सुजीत राम, अनिल राम, बाबूलाल गोप, राजेश मंडल, वासुदेव चक्रवर्ती, पवन ठाकुर, पप्पू पंडित, दशरथ पंडित, उज्जवल पंडित, संतोष यादव, संतोष गोप, शुभम कुमार गुप्ता, दिवाकर शर्मा, दिनेश राय, सुरेश यादव, बंधु पंडित, बोधि पंडित, निखिल गुप्ता, ट्यूपलाल पंडित सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। इस संदर्भ में पंचायत मुखिया यशोदा देवी समेत विनोद राम व समाज सेवी यमुना मंडल ने इस मामले को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बताया गया कि कार्य निर्माण के दिनों में कार्य में भारी अनियमितता के मद्देनजर पूर्व में भी कई अखबारों में पूरी प्राथमिकता के साथ उठाया गया था, जिसको लेकर विधानसभा की टीम मामले की निरीक्षण हेतु युक्त स्थल पर आई थी। बताया गया कि विभाग सहित सूबे के मुख्यमंत्री को भी इस मामले से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद भी इस मामले को लेकर विभाग व प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। बताया गया कि संदर्भ में उपायुक्त महोदय के नाम इंटीमेंटम दिया जाएगा और अगर इसको लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो हम सभी ताड़ाताड़ पंचायत समेत ग्रामीण सड़क पर उतरने पर बाध्य होंगे। यहाँ लगभग जब से यहाँ टंकी लगाया हुआ है यहाँ पर मात्र 6 महीना पानी से दिया, वो भी छोड़ छाड़ के दिया, रेगुलर नहीं दिया। हम भी वही चाहते हैं जो सब ग्रामीण चाहता है कि पानी चालू हो। यहाँ इस टंकी के चलते मेरे पंचायत में बहुत सारा प्रॉब्लम है, टंकी चालू कर दे ताकि ग्रामीण को सुविधा हो, और नहीं होगा जल्द से जल्द चालू तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ हो सके वहाँ आगे जाएंगे। पाइप वगैरह नहीं लगा, जैसे किसी दूसरे घर में जाएगा उसके लिए पाइप लगेगा तब ना उसके घर में जाएगा, काम अनकम्प्लीट था इसलिए नहीं गया, पानी का लाभ नहीं ले पाए। हम लोग को कुछ नहीं सुनना बुझना, हम लोग को पानी चाहिए। अब विभाग पानी कहाँ से दे ये हम लोग नहीं जानते, कैसे दे हम लोग नहीं जानते। हम लोग पानी, वी वांट वाटर, हम लोग पानी चाहिए हम लोग को। और ये लगभग 2 साल वर्तन करने में हो गया है, अभी तक नियमित पानी किसी को नहीं मिला है। 6 महीना तक किसी तरह से मिला कुछ घरों में, इसके बाद फिर वो बंद हो गया है। कि जहां पर हम लोग बैठे हैं इसके सामने एक पानी का टंकी बना था, ये सरकार का पैसा है, 8 करोड़ लगा के, 8 करोड़ 22 लाख लगा के आ हम लोग झुनझुना देखना, पानी के लिए हम लोग मर रहे हैं। तो हम लोग सब का सारा अफसर को, विधायक को, सबको कह के थक गए। अब टोटल इस पंचायत के जितना हम लोग जनता है, हम लोग निर्णय किए हैं आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि एक अल्टीमेटम हम लोग सरकार को, प्रशासन को दे रहे हैं, और सब अभी हम लोग सहमति बना रहे हैं। उस दिन तक अगर पानी यहाँ के जनता को नहीं मिला तो हम लोग रोड में, पूरे पंचायत के जनता रोड में बैठ जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। The admissions forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV's office counter for classes nursery to standard 9 from 15th of November 2022. So hurry up, ultra-modern hostel facilities are available for boys for class 4 to 12. Our address, BNSDAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. को फील देने वाला गांधी चौक स्थित बहुत ही खूबसूरत द रॉयल डाइनिंग एंड बैंकवेट में आप स्वाद से भरपूर व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल खाने का वेज और नॉन वेज व्यंजन परोसा जाता है। खाने पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ के अल्ट्रा मॉडर्न बैंकवेट हॉल में पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार वगैरह का आयोजन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल कर अपना ऑर्डर दें। द रॉयल डाइनिंग एंड बैंकवेट का पता SDFC बैंक के ऊपर, गांधी चौक, गिरिडीह।